खुल गए भगवान तेरे द्वार। शिरडी में पधारे सभी साईं भक्तों का श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था की ओर से हार्दिक स्वागत। लगभग 8 माह के अंतराल के बाद लिए गए निर्णय के अनुसार मंदिर फिर से दर्शन के लिए खुला किया गया है। सरकार के द्वारा निर्देशित सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए साईं भक्तों के लिए दर्शन की व अन्य व्यवस्थाएं सुलभ करने हेतु श्री साईं बाबा संस्थान कटिबद्ध है। शिरडी में भक्तगण जिस कारण आते हैं वह आनंददायक बात अर्थात श्री साईं बाबा के दर्शन करना। दर्शन की कतार में नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए भक्तों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए दर्शन की व्यवस्था की गई है। दर्शन की कतार में प्रवेश करते समय पैर धोने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाए गए हैं तथा सुसज्ज प्राथमिक उपचार केंद्र भी स्थापित किया गया है। प्रत्येक आगंतुक को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए द्वारका माई, समाधि मंदिर, गुरुस्थान दर्शन पश्चात लेंडीबाग की ओर जाते समय भक्तों को उदी वितरित की जा रही है। लेंडीबाग में दत्त मंदिर, नंदादीप आदि पवित्र स्थानों का दर्शन करने के बाद भक्तगणों को 5 नंबर के महाद्वार से निकासी की व्यवस्था की गई है। सभी साईं भक्त दर्शन के पासेस 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रकार सशुल्क दर्शन पास, दूसरा बायोमेट्रिक दर्शन पास जो कि निशुल्क है। संस्थान के सभी भक्त निवास स्थानों में दोनों प्रकार के पास वितरित किए जाने की व्यवस्था है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के बस स्टैंड और श्रीराम पार्किंग द्वार क्रमांक 2 इन स्थानों पर भी उपलब्ध रहेंगे। भक्तों के निवास हेतु संस्थान द्वारा स्थापित किए गए भक्त निवासों में वाजिब दरों पर निवास की व्यवस्था रखी गई है। यह है संस्थान का प्रसादालय। यहाँ पर भक्तों के लिए प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रसाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रसाद भोजन व्यवस्था में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। श्री साई बाबा समाधि मंदिर में प्रतिदिन किए जाने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी। मंदिर के पट भोर में 4 बजे खुल जाते हैं। 4:30 बजे श्री साईं बाबा की प्रातःकालीन काकड़ आरती की जाती है। पश्चात 5 बजे बाबा का मंगल स्नान होता है। तत्पश्चात 5:30 बजे शिरडी माझे पंडरपुर आरती की जाती है। आप सभी के लिए पावन स्थल शिरडी की यात्रा और श्री साईं बाबा का दर्शन सुखकारक और मंगलमय हो। श्री साईं बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। श्री साईं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना। ओम श्री साईं नाथाय नमः। दीपावली प्रतिपदा के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र में कोरोना की पार्श्वभूमि पर धार्मिक स्थल खुले किए गए हैं। मराठी में बोला जाता है कि ही तो श्रींची इच्छा, ये ध्यान में रखे शासन ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत शिरडी का साईं बाबा मंदिर भी भक्तों के लिए खुला किया गया है। ये करते वक्त प्रशासन ने कोविड-19 की जो प्रमाणित कार्यसूची है, प्रणाली है, उसके तहत भक्तों को अच्छे से अच्छे दर्शन मिले, कोविड का डिसिमिनेशन या प्रादुर्भाव न हो, फैलाव न हो, इसलिए पूरा का पूरा इंतजाम किया है। दिन में मंदिर में 6000 से 8000 तक भक्तों को दर्शन देने की सुविधा हमने तैयार की है। दर्शन लेते वक्त सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सभी
हमने तो साइनेजियस बोर्ड लगा के भक्तों को सावधान किया है। ये करते वक्त भक्तों को मेरी ये अपील है, विशेषतः महाराष्ट्र के बाहर से जो लोग आते हैं और जहाँ कोरोना का फैलाव ज़्यादा है, ऐसे कई स्टेट कल की ऑर्डिनेंस 23 नवंबर में जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाली है उसके तहत जो अदर स्टेट है जैसे कि दिल्ली वगैरह, वहाँ आने के वहाँ के भक्तों के लिए RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट अनिवार्य है। मैं महाराष्ट्र के बाहर के भावी भक्तों को लिए प्रार्थना करूँगा कि वो जब शिरडी में आएंगे तो उन्हें पहले अपना दर्शन का समय और तारीख सुनिश्चित करके आना होगा, इसलिए वो हमारी वेबसाइट online.sai.org.in पर जाकर अपना आरती या दर्शन का पेड पास या फ्री पास भी ले सकते हैं। इसलिए मैं सभी भक्तों को अपील करूंगा, शिरडी आने से पहले ये सब दर्शन की समय और तारीख निश्चित करके ही आए, अपना होटल या भक्तनिवास बुकिंग करके यहाँ आए और अच्छे से अच्छी तरह से दर्शन लेने में प्रशासन को सहयोग दें। ओम साईनाथ।